मंत्र से ही आपको आपके पिता की प्राप्ति होगी। जवाब दिया, गुरुदेव एक कुटिया। जवाब दिया, बिल्कुल। नारद ने एक बहुत सुंदर ध्रुव कुटी बनाई, उसमें समाधि लगा करके ध्रुव बैठ गया। पहली समाधि 7 दिन की लगाई, आंखें खोली, फल बहुत सुंदर है, तोड़ा, खाया, बैठ गया। दूसरी समाधि 11 दिन की, आंखें खोली, फल बहुत सुंदर है, छुआ भी नहीं, पत्ते तोड़े, मींजे, फंकी मारी, बैठ गए। तीसरी समाधि 21 दिन की, आंखें खोली, जैसे ही देखे पत्ते पड़े हुए हैं, फल भी है, कुछ नहीं छुआ, बैठ गए। समाधि में जैसे ही बैठे, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। तो घबरा गया इंद्र, मेरा इंद्रासन चला जाएगा, तो अप्सराओं को भेजा। आज अप्सराएं आ गई पुत्र ध्रुव के पास में, नाच रही हैं, गा रही हैं। कोई ध्रुव की माँ बन जाती है, रोने लगती है, बेटा अखियां गोलो लाला, लेकिन पुत्र ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ा। इधर जिस समय ध्रुव ने चाहता जब अटल समाधि लगाई है, तो शेष अपनी अग्नि को गुलने लगे। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी, हाथ जल गए, लक्ष्मी जी अलग खड़ी हो गई। जवाब दिया, प्रभु ये क्या हो रहा है? तब तक नारद आ गए, जवाब दिया, ध्रुव है छोटी सी अवस्था में तपस्या कर रहा है, तुम यहाँ लेटे हो। जवाब दिया, उसी वक्त भगवान ने तत्काल ही गरुड़ का आह्वान किया। आज इधर गरुड़ को बुलाया, आज भक्त ध्रुव के पास में जैसे ही चले, सब लोग बोलेंगे ताली बजा करके, अरे विष्णु जी चढ़ के गरुड़ पे और आए जी, जहां पे ध्रुव तपोए, विष्णु जी चढ़ के जैसे ही पुत्र ध्रुव के पास में आए,